कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। तो राज है हमारा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दिखाओ ना क्या क्या दिखाते हो और कहां कहां रोकते हो। हमारे पास में हमारी कांग्रेस की सरकार की 3.75 साल की गुड गवर्नेंस, हमारे सामने हमारी फ्लेक्सिबल योजनाएं, अच्छे बजट, सब चीजें हमारे साथ में हैं। कोई बात करने वाला नहीं केंद्र का, कोई मंत्री नहीं, नंत्री नहीं, संतरी नहीं, कोई नहीं। बावजूद भी नोटंकी करके ये सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इनका दुरुपयोग करके सत्ता जो अच्छे तरीके से राजस्थान में चल रही है उसको परेशान करना चाहते हैं और झूठ नफरत फैलाते रहते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का षड्यंत्र करते रहते हैं, मंदिर और मस्जिद की राजनीति करते रहते हैं। तो शर्म नहीं आती, इनके कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में 5 नहीं बल्कि 9 पेपर लीक हुए थे, 9 पेपर। हथौड़ी की चोट मार रहा हूं, इसको बेनकाब कर रहा हूं, तब तक दो चार गुंडे आरएसएस के आकर के और कहीं न कहीं बीच में आने की चेष्टा कुचेष्टा करते हैं। मैं आप सबकी ताकत के बल पे कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस का वो सच्चा सिपाही है, राहुल गांधी की उस टीम का सदस्य है। मैं कभी न डरने वाला हूं न झुकने वाला हूं। इन लोगों को बता देना चाहता हूं, अरे तुम्हारी क्या औकात है, हम तो 24 लोग थे, 21 थे, फिर 24 हुए और राजस्थान की विधानसभा में आप गवाह है। हमने इनकी चूल्हे हिलाने का काम किया था, इनकी नाक में नकेल डाली थी। ये तो 163 लोग थे, हम तो तभी नहीं डटे थे जब इनका राजधार 163 का इनके पास में जोर था, तब भी हम 21 या 24 लोग थे, जिनमें से हम 5-7 लोगों ने जिस प्रकार से इनके नाक में नकेल डालने का काम किया। आज तो राज है हमारा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दिखाओ ना क्या क्या दिखाते हो और कहां कहां रोकते हो। लेकिन अपने उस बड़े नेताओं से पूछ लेना कि राजस्थान में एक भी गांव ढाणी में तुम घुस नहीं पाओगे जिस दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया उस दिन। कांग्रेस का कार्यकर्ता अनुशासित है, अपने डेकोरम में रहता है, अपने संस्कार उनको दिए हुए हैं। कांग्रेस का एक संस्कार का गांधी जी के हम अनुयायी है, हम नाथूराम गोडसे के विचारधारा के अनुयायी नहीं है। आप लोग जितना नफरत फैलाने की चेष्टा करोगे, जितने दंगे कराने की चेष्टा करोगे, जितना विद्वेष फैलाने की चेष्टा करोगे, उतना ही तुमको नुकसान होना पड़ेगा। तुम अपने घर को संभालो, तुम्हारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में टुकड़े टुकड़े हो गए। राजस्थान में कोई लीडर किसी को एक दूसरे को मानने को तैयार ही नहीं है। ये जो दशा बनी हुई है उसको सुधारने में अपना श्रम शक्ति लगाओ, कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं को रोकने में मत लगाओ, वरना बाद में पछताओगे। आप सबने बुलाया, जिला अध्यक्ष जी, मंत्री जी, सब लोग आए, आप तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाते मैं निरुपम साहब का और राजेंद्र सिंह जी, एपीआरओ साहब का, आप सबकी ओर से, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं और पत्रकार बंधुओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग सच दिखा रहे हो। जब सच दिखाते हो तो ये आपके ऊपर भी करेंगे। जब भी पत्रकारों के लिए कोई समय आया तो भाजपा ने कभी कोई आपके सुविधा के लिए कोई बात नहीं की है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हमेशा पत्रकारों की भी सोचती है और सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर के सबकी सोचती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।